भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 5 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। अगर हम रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखें और पिछले 5 मैचों के रिकॉर्ड्स को देखें तो लगता है कि इस सीरीज में भारत का पलड़ा भारी रहने वाला है, लेकिन वेस्टइंडीज क्या कर सकता है वो भारत ने दूसरे वनडे इंटरनेशनल में देख लिया है। तो भारत क्या कर सकता है ये वेस्टइंडीज ने तीसरे वनडे इंटरनेशनल में देख लिया। तो दोनों आज से दिखाएंगे अपना दम, बताएंगे कि हम नहीं है किसी से कम। तो किस टीम में कितना दम है और पहले T20 इंटरनेशनल में किस टीम का पलड़ा रहने वाला है भारी, आज बताऊंगा। रिकॉर्ड्स के बारे में भी बातचीत होगी कि दोनों टीमें जब T20 इंटरनेशनल में आमने सामने हुई हैं तो क्या हुआ है। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मैच आज ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिडाड में खेला जाएगा। यह एक स्पोर्टिंग विकेट है जहां बैटर्स के लिए भी कुछ है, जहां तेज गेंदबाजों के लिए भी कुछ है और स्पिनर्स के लिए भी कुछ है। तो इसका मतलब कि गेंद और बल्ले के बीच आप एक शानदार मुकाबला देखने को तैयार रहिए। ऐसे भी T20 में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का प्रदर्शन लाजवाब रहा है और अगर हम बात करें कि यही वजह है कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अलग अलग फ्रेंचाइजी लीग में आपको खेलते हुए नजर आते हैं। अगर आज हम पहले T20 इंटरनेशनल मैच की बात करें और भारत के लिए बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए आज जो है वो डेब्यू हो सकता है। अब किसका डेब्यू होता है यह देखना दिलचस्प होगा। यशस्वी जायसवाल अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेलते हैं या तिलक वर्मा को अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेलने का अवसर मिलता है। यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था और साबित किया था कि वो तेजी से रन जुटा सकते हैं। इसके अलावा आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा था। दूसरी तरफ तिलक वर्मा हैं जिन्होंने कि आईपीएल में कमाल के प्रदर्शन के बूते भारतीय टीम में प्रवेश पाया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 3 नंबर पर कौन से बैटर बल्लेबाजी करने को आते हैं। अगर यशस्वी जायसवाल खेलते हैं तो आप मानकर चलिए कि ईशान किशन और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ कप्तान को जाना चाहिए और 3 नंबर पर आपको यशस्वी जायसवाल दिख सकते हैं अगर जायसवाल खेलते हैं तब। और अगर तिलक वर्मा खेलते हैं तो 3 नंबर पर आपको T20 इंटरनेशनल के सर्वश्रेष्ठ बैटर सूर्य कुमार यादव को भी आप बल्लेबाजी करते हुए देख सकते हैं। जहां तक वेस्टइंडीज टीम की बात है तो T20 में जो उनकी शक्ति है वो उनके ऑलराउंडर्स में निहित है और इसके अलावा जो उनके पावर हिटर्स हैं उनमें निहित है। काइल मेयर्स जैसा पावर हिटर, रॉबमैन पावेल जो हैं वो भी जबरदस्त हिटर हैं, वो भी टीम के साथ जुड़ गए हैं और निकोलस पूरन और शेमरॉन हेटमायर को तो आप भूल ही नहीं सकते। तो वेस्टइंडीज की जो बल्लेबाजी है वो पावर हिटिंग पर डिपेंडेंट है। और आपको एक बात और बता दूं कि T20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी रॉबमैन पावेल ही करने वाले हैं। अब इस स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि वनडे इंटरनेशनल के कप्तान शाई होप को वेस्टइंडीज के प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं मिलती है। तो हम पहले भारतीय प्लेइंग 11 की बात कर लें तो जो मुझे एक लगता है उस अनुसार से अगर हम देखें तो शुभमन गिल और ईशान किशन आपको पारी की शुरुआत करते दिख सकते हैं। 3 नंबर पर यशस्वी जायसवाल, 4 नंबर पर हार्दिक पांड्या, 5 नंबर पर सूर्य कुमार यादव और 6 नंबर पर आपको अक्षर पटेल बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि गेंदबाजों की बारी आती है और यहां पर अगर आप जाएं तो कुलचा को खेलते हुए आप देख सकते हैं कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को। दोनों की जोड़ी जो है बहुत दिनों से एक साथ मैदान पर नहीं उतरी है और चूंकि यहां पर विकेट में स्पिन है तो भारतीय टीम 3 स्पिनर्स और 3 पेस बॉलर्स के साथ जा सकता है। तो यहां पर
कुलचा को अवसर मिल सकता है। इसके अलावा दो तेज गेंदबाजों की बात करें, एक तीसरे तो हार्दिक पांड्या होंगे ही, तो मुझे लगता है कि एक मुकेश कुमार होंगे और अर्शदीप सिंह की वापसी हो रही है तो अर्शदीप सिंह भी आपको दिख सकते हैं। और अब देखना है कि संजू सैमसन इस मैच में खेलते हैं या नहीं। उन्हें बड़े ही गिने चुने मौके मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं वह कमाल करते हैं, तो क्या उन्हें फिर से कमाल करने का अवसर मिलेगा ये देखना होगा। ये मैच शुरू होते वक्त ही हमें पता चल पाएगा। और ये भी हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को, दोनों को टीम में रखा जाए, तो वैसी स्थिति में संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है। तो ये हो गई भारतीय प्लेइंग 11 की बात। वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 में किंग और मेयर्स जो है वो पारी की शुरुआत करेंगे। चार्ल्स मुझे लगता है 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, 4 पर पूरन आएंगे, 5 पर हेटमायर आएंगे और 6 पर रॉबमैन पावेल आपको दिखेंगे। और इसके बाद फिर ऑलराउंडर्स उनके पास बहुत हैं, शेफर्ड उसके बाद आप 7 पर देख सकते हैं, जैसन होल्डर हैं वो आपको 8 पर दिख सकते हैं, अलजारी जोसेफ आपको दिख सकते हैं 9 पर, मैकॉय लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं उन्हें खिलाया जा सकता है तो वो 10 पर, और आप अकेल हुसैन को भी देख सकते हैं। तो ये वेस्ट इंडीज की टीम हो सकती है। अगर हम आंकड़ों पर जाएं और रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में जो 25 T20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं उसमें 17 मैच भारत ने जीते हैं, जबकि 7 मैच जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम ने जीते हैं। 6 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज अब तक भारत के नाम हुई है, तो 2 सीरीज पर वेस्ट इंडीज ने कब्जा जमाया है। और जहां तक आखिरी 5 T20 इंटरनेशनल की बात है तो वहां भारत ने वेस्ट इंडीज का पूर्ण सफाया किया है, मतलब 5-0 आखिरी 5 T20 इंटरनेशनल भारत ने जीते हैं। तो ये है आंकड़ों की बातें और इसके अलावा दोनों टीमों की शक्ति की बातें। तो एक आप नजदीकी मुकाबला देख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट जितना छोटा होता जाता है मुकाबला जो है वो बराबरी पर आते जाता है, क्योंकि टीमों के बीच जो फर्क होता है वो कमतर होता जाता है। और ये बात हमने टेस्ट और ओडीआई के दौरान देखी, जो टेस्ट में फासला दिख रहा था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में वो वनडे इंटरनेशनल में आकर थोड़ा कम हुआ, और जब आप वनडे इंटरनेशनल से T20 इंटरनेशनल में आएंगे तो ये और भी कम हो जाएगा। फिलहाल तो दोनों टीमों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अभी वनडे सीरीज खत्म हुए 48 घंटे भी नहीं हुए हैं और उससे कम समय में T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज शुरू हो रही है, तो वो जो माइंडसेट है उसको शिफ्ट करना वनडे इंटरनेशनल से T20 इंटरनेशनल की ओर, ये एक बड़ा चैलेंज आप दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के लिए कह सकते हैं जो टेस्ट ओडीआई में खेल चुके हैं, खास करके उनके लिए। तो कुल मिलाकर भारत के युवाओं के पास एक मौका है। वेस्ट इंडीज ने काफी मजबूत टीम चुनी है और दूसरी तरफ भारत के युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में साबित किया है। यहां पर कोई विराट कोहली नहीं होंगे, कोई रोहित शर्मा नहीं होंगे। वैसे विराट और रोहित तो वनडे इंटरनेशनल में भी ऑलमोस्ट नहीं ही रहे, सिर्फ पहले वनडे इंटरनेशनल में दिखे थे वो भी नाम मात्र के ही। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत के युवाओं के पास एक अवसर है। आप कह सकते हैं कि भारतीय युवाओं के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो खुद को लॉन्च कर सकते हैं, जहां से वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम भारतीय क्रिकेट टीम को पहले T20 इंटरनेशनल के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।